तो आज की ये वीडियो खास उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इम्यूलेटर वाले गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि निंटेंडो स्विच का यूजू इम्यूलेटर आपके एंड्रॉयड डिवाइस में चलता है जिससे कि आप लोग निंटेंडो स्विच के गेम्स को खेल सकते हैं। पीएसपी का इम्यूलेटर आता है PPSSPP, उसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाल करके पीएसपी सोनी पीएसपी के गेम्स को खेल सकते हैं। ऐसे ही PS2 के इम्यूलेटर आते हैं भाई, आपके पीसी तक के इम्यूलेटर आते हैं जिससे कि आप कंप्यूटर मतलब विंडोज़ के जो गेम्स हैं ना उनको आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर खेल सकते हो। तो इन गेम्स को खेलने के लिए भाई जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए ना वो वाकई में तगड़ा होना चाहिए। अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस एकदम नॉर्मल कोई एंड्रॉयड डिवाइस है तो भाई वहाँ पर ये गेम्स बहुत ज़्यादा लैग करते हैं और इनफैक्ट कई फ़ोनों के अंदर तो ये गेम सपोर्ट ही नहीं करते, चल ही नहीं पाते हैं। एक बार के लिए आपका फ़ोन BGMI चला लेगा, PUBG चला लेगा और उसको आप इंजॉय कर सकते हो, पर ये जो कंप्यूटर के गेम्स और ये जो इम्यूलेटर वाले गेम्स होते हैं ना इनको चलाने में आपका फ़ोन थक जाएगा। खासकर कौन से गेम्स, खासकर जो कि यूजू इम्यूलेटर के ऊपर आते हैं या फिर जो कि कंप्यूटर के गेम्स हैं जिनको आप विनलेटर के ऊपर या फिर बॉक्स 64 ड्रॉइड के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे सिमिलर इम्यूलेशन वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलते हो जो कि कंप्यूटर के गेम्स को इम्यूलेट करने की फैसिलिटी देता है, तो ऐसे गेम्स जब आप अपने फ़ोन में रन करते हो ना तो आपका फ़ोन भाई काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। प्लस एक खास दिक्कत उसके अंदर और आती है, वो दिक्कत है CPU थ्रॉटलिंग की। CPU थ्रॉटलिंग क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो, अगर आपका फ़ोन भाई कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क कर रहा है, मतलब कोई ऐसा टास्क कर रहा है जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा CPU यूज़ हो रहा है, काफ़ी गर्म हो रहा है आपका फ़ोन, तो वहाँ पे क्या होता है वो आपके फ़ोन को बचाने के लिए आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी आप गेम खेल रहे हो उसके अंदर परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये BGMI PUBG Genshin Impact इन सारे गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी, पर जो इम्यूलेशन वाले गेम्स है जो कि इम्यूलेटर के ऊपर चल रहे होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के गेम्स हो, चाहे निंटेंडो स्विच वाले गेम्स हों, चाहे आपके प्लेस्टेशन के गेम्स हों, वहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग ज़्यादा होती है। और इन सारी चीज़ों को मैंने भाई देखा और मैंने बहुत सारे फ़ोन्स के ऊपर टेस्ट किया और उन सब के ऊपर टेस्ट करने के बाद मैं आपके लिए 10 ऐसे परफेक्ट फ़ोन लेकर के आया हूँ जो कि आज के मतलब इस मंथ में, समझ लो कि ये मंथ और 2-3 मंथ और आप लोग एवरेज ले सकते हो, उन 3-4 मंथ में रिलेवेंट रहेंगे। अब आगे कोई और अच्छे फ़ोन आ जाए इनसे तो बात अलग है, बट मैं 2-4 मंथ को लेकर के चल रहा हूँ कि 2-4 मंथ के अंदर कोई बहुत ही बढ़िया फ़ोन नहीं आने वाले, तो ये सारे फ़ोन्स आप लोग लेना कंसिडर कर सकते हो, खासकर अभी इस टाइम, क्योंकि अभी अमेज़ॉन के ऊपर भी बहुत ही अच्छी सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी सेल चल रही है, तो आप लोग कहीं से भी जाकर ले सकते हो। और आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉप 10 कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो कि मैंने खास आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं ताकि उनके ऊपर आप लोग इम्यूलेटर्स वाले गेम खेल पाओ। तो हमारा जो पहला फ़ोन निकल के आता है वो है रियलमी का GT60। भाई ये फ़ोन अभी अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ही गज़ब का फ़ोन है। इस फ़ोन को मैं खुद लेकर के यूज़ कर रहा हूँ, इसी से रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके अंदर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 और भाई ये बजट के अंदर फोन है, मतलब 26-27 हज़ार के अंदर का ये फोन है और इतना गजब का फोन आ रहा है ना, मतलब 26-27 हज़ार अभी चल रहा है इसका प्राइस। ठीक है तो ज़्यादा का फ़ोन क्योंकि अभी सेल चल रही है तो अभी इसका प्राइस ड्रॉप है, तो बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस देता है, मतलब इसके अंदर मैं इम्यूलेटर वाले गेम्स खेलता हूँ और भाई कितनी गजब की परफॉर्मेंस आती है। बट एक दो चीज़ें इसके अंदर मुझे पसंद नहीं आई। देखो CPU थ्रॉटलिंग की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, इसके अंदर CPU थ्रॉटलिंग होती है और आधे घंटे बाद होती है। आप कंप्यूटर का कोई भी गेम आधे घंटे खेलोगे ना इसके ऊपर, आधे घंटे बाद आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप होती दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाई कोई बहुत ही खास बहुत ही वाव प्रोसेसर नहीं है। ये प्रोसेसर के ऊपर आप लोग BGMI बहुत ही अच्छे से खेल सकते हो, 60 FPS तो कॉमन हो गया है, BGMI एकदम अच्छी ग्राफिक में 60 FPS खेल लोगे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, CPU थ्रॉटलिंग नहीं होगी। पर जब आप कंप्यूटर के गेम्स खेलोगे, जब आप कोई इम्यूलेटर वाले गेम्स खेलोगे वहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग बजट में रहना चाहते हो, अपने अपने बजट को क्रॉस नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो एक पावरफुल तगड़ा फ़ोन आपको मिल जाए बजट के अंदर, तो भाई रियलमी GT60 से बेस्ट कोई नहीं है। इसके अंदर कैमरा भी है, परफॉर्मेंस भी है, डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छी है, मतलब यूट्यूब पे आप इसका रिव्यू देखोगे ना तारीफ़ें भर भर के मिलेंगी, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और एक खास चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जितने भी फ़ोन लिए हैं सारे फ़ोन्स के 256 GB वाले वेरिएंट लिए हैं। ठीक है, 128 लेने का मैं इसलिए आपको नहीं कहता, क्यों ध्यान से देख लो,
यहाँ पे आपको मेमोरी के अंदर चले जाना है। मैं वैसे क्या करूँगा, सारे फ़ोन्स की ये जो स्पेसिफिकेशन वाली वेबसाइट का URL है ना, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप एक एक का स्पेसिफिकेशन डिटेल में देख सको, ठीक है, क्योंकि आप मतलब प्रोफेशनल आदमी हो, ठीक, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 128 GB वाला वेरियंट होता है ना, इसके अंदर UFS 3.1 मिलता है। अब आप सोचोगे ये UFS 3.1 क्या है, ये सब मतलब होता क्या है। देखो अभी के लिए इसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस ये समझो UFS जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो 256 GB वाला वेरिएंट है उसके अंदर 4.0 मिलता है, और ज़्यादातर फोन्स के अंदर मैंने देखा है ऐसे ही चल रहा है, ज़्यादातर फोन्स 128 GB वाले में कम UFS देते हैं, और भैया जिनके अंदर 256 GB होता है उनके अंदर ज़्यादा UFS देते हैं। तो आप लोगों को कंसिडर करना है जो UFS ज़्यादा दे, ठीक है, बस इतना समझ लो। मैं छोटा सा ये बता सकता हूँ कि ये स्टोरेज डिवाइस होती है, आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है ना उसके ऊपर ये काम करती है, ठीक है, बस मैं इतना हिंट दे रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले फ़ोन के ऊपर, और जो हमारा अगला फ़ोन है, इस फ़ोन को मैंने क्यों नहीं लिया, इसका मुझे दुख सताता है, क्यों, क्योंकि ये है Realme GT 6। भाई ये GT 60 के बाद इन्होंने लॉन्च कर दिया, और इसके अंदर सारी वही चीज़ें हैं जो कि Realme GT 60 के अंदर है, बस थोड़ा बहुत कैमरे वैमरे के अंदर कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है। प्लस इन्होंने एक जो मेजर चेंज किया है जो कि मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, वो है इसका प्रोसेसर। जहां आपको Realme GT 60 के अंदर 7+Gen 3 मिलता था, ठीक है, Snapdragon 7+Gen 3, इसके अंदर जो लेटेस्ट वाला Snapdragon 8S Gen 3 आया है वो मिलता है। और आपको मैं एक खास चीज़ बता दूं, 8S Gen 3 की जो CPU थ्रॉटलिंग है भैया वो एकदम गजब की है, मतलब आप इसके अंदर तगड़े गेम खेल पाओगे, GTA 5 बहुत ही मज़े से खेल पाओगे, बहुत ही अच्छे FPS के साथ खेल पाओगे, और आराम से काफ़ी देर तक खेल पाओगे, CPU थ्रॉटलिंग होगी नहीं, समझ रहे हो ना, बहुत ही गजब का फ़ोन है। इसके लिए मतलब बस तारीफ़ों के पुल में बांध सकता हूँ, बाकी आप YouTube के ऊपर इसके रिव्यू देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो हमारा जो अगला फ़ोन है Moto H50 Fusion। अब ये जो फ़ोन है ये देखो मैंने क्यों यहाँ पे ले रखा है, ये मैंने उन लोगों के लिए ले रखा है जिनका बजट जो है ना वो बहुत कम है, वो भाई भी सोचते हैं कि भाई 25,000, 26,000 या फिर 25,000 के अंदर ही में कोई अच्छा सा फ़ोन मिल जाए मुझे, मतलब हल्का फुल्का कंप्यूटर के गेम्स और हल्का फुल्का एम्युलेटर वाले गेम खेल लूँ और BGMI PUBG मेरा चल जाए, तो भाई उन लोगों के लिए ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट है, आप लोग इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। देखो मैं हर एक चीज़ एकदम डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद जाके पढ़ सकते हो, YouTube पर रिव्यू ले सकते हो, उसके बाद इसको परचेज करना। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है Snapdragon 7S Gen 2 लगा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर CPU थ्रॉटलिंग भैया बहुत ही ख़राब है, एवरेज CPU थ्रॉटलिंग होती है Snapdragon 7S Gen 3 से तो भैया ज़्यादा ही होती होगी, ऑब्वियस सी बात है एवरेज होती है। BGMI PUBG आपका बढ़िया चल जाएगा और आपका ये जो इम्युलेशन वाला सिस्टम है ना वो चल जाएगा, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत वाव चलेगा, चला लेगा एवरेज, बहुत एवरेज, हो सकता है आपको फ्रेम्स उतने अच्छे ना मिल पाएं जितने अच्छे आप सोच रहे हो। ये बस उन लोगों के लिए मैंने फ़ोन रखा है जिनके पास बजट बहुत कम है, बहुत बजट टाइट है, सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ोन है, ठीक है। चलिए अब जो मैंने अगला फ़ोन लिया है भाई, बस अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये फ़ोन भाई वन ऑफ़ द बेस्ट फ़ोन है, मतलब मुझे ये वन ऑफ़ द बेस्ट इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये फ़ोन, बट इसके अंदर जो चीज़ें इन्होंने दी है ना, खासकर IQOO के जितने भी फ़ोन्स हैं मुझे खासकर इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो लोग मतलब थोड़ा गेमिंग के ऊपर फोकस करके काम करते हैं, ठीक है, आजकल तो वो लोग कैमरा वगैरह सब पे फोकस कर रहे हैं, बट IQOO के जो फ़ोन्स को मैं देखता हूँ ना वो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन देखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो दिया गया है वो है Snapdragon 8 Gen 2, भाई साहब बहुत ही कंचा प्रोसेसर है, चुम्मा प्रोसेसर है, मज़ा आ जाएगा इसके ऊपर एमुलेटर वाले गेम्स खेलो, इसके ऊपर BGMI PUBG तो बच्चे हैं बहुत ही आराम से चल जाएंगे, उनको तो हटा ही दो, एमुलेटर वाले गेम्स GTA 5 भाई ये सब आपको काफ़ी तगड़े FPS के साथ देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि भैया मैं कंप्यूटर क्यों लूँ, मैं तो भैया फ़ोन ही पे खेल लूँगा सारी चीज़, है कि नहीं। आप लोग इसके बारे में YouTube के ऊपर रिव्यू ले लेना, बहुत ही प्यारा चुम्मा फोन है, मजा आ जाएगा, एक बार चेक जरूर करना। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फोन के ऊपर, जो हमारा अगला फोन है OnePlus का 11R। भाई ये फोन भी कोई कम तगड़ा फोन नहीं है, ठीक है, इस फोन को मैंने यहां पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई ये हल्का बजट में भी है, प्लस इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल का प्रोसेसर नहीं है ना बहुत ही लो लेवल का प्रोसेसर है, एक मीडियम जो प्रोसेसर होता है ना उस मीडियम से हल्का सुपर, कितना ऊपर, हल्का सा ऊपर, ठीक है। इसके अंदर लगा हुआ है 8+Gen 1,
बहुत ही हाई लेवल का नहीं है, बहुत लो लेवल का नहीं है, मीडियम से हल्का सा ऊपर का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। BGMI पबजी को तो भैया लात मार दो, वो सब तो बहुत ही तगड़ा चलेंगे। इसके ऊपर इमुलेशन वाले गेम्स कंचा चलने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो कंप्यूटर वाले गेम्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के गेम्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा के चलता हूँ, बट कंप्यूटर के गेम्स अगर जो कंप्यूटर के एमुलेटर वाले सॉफ्टवेयर है ना, जैसे विनलेटर हो गया और जो दूसरे हैं Box64 ड्रॉयड हो गया और जो भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर ने अगर इसके प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर दी तो कंप्यूटर वाले गेम्स एकदम दे दनादन चलने वाले हैं। तो भाई ये फ़ोन भी परफॉर्मेंस के मामले में एकदम कंचा है, मतलब मज़ा आ जाएगा। बाकी कंपैरिजन जो है वो आप लोग खुद से चेक करोगे यूट्यूब पे जा करके, यूट्यूब पे खुद सर्च करोगे कि भाई ये फ़ोन कैसा रहेगा, मतलब कंपेयर कर लेना दो चार फ़ोनों से, देख लेना कि भाई क्या आपके बजट में आ रहा है, क्या आपको इसका कैमरा पसंद है, क्या डिस्प्ले पसंद है। क्योंकि मैं यहाँ पर फोकस किस पे कर रहा हूँ, प्रोसेसर और CPU थ्रॉटलिंग के ऊपर। इसकी CPU थ्रॉटलिंग भी बहुत ही खास नहीं मैं कहूँगा, होती है, बट ऐसा मैं मतलब आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि नहीं भैया इसको जबरदस्ती ले ही लो CPU थ्रॉटलिंग तो भाई बहुत मस्त है। नहीं, Snapdragon 8+ Gen 1 है, मतलब CPU थ्रॉटलिंग है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फ़ोन के ऊपर, जो कि Xiaomi का F6। वाओ, ये फ़ोन के अंदर देखो मुझे दिक्कतें लगती हैं, जानते हो क्या दिक्कतें लगती हैं इस फ़ोन के अंदर मुझे, मतलब जो इसकी डिस्प्ले है, जो इसका कैमरा है, वो सब मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आता। बट इसके अंदर जो मुझे पसंद आता है ना, वो है इसका प्रोसेसर। यार इस फ़ोन का जो प्राइस है ना, अगर तुम अभी चेक करोगे ना, मुँह से लार टपकने लगेगी, बोलोगे कि भाई इतना सस्ता कैसे। भाई बहुत सस्ता है, अभी खासकर ऑफर के टाइम में तो बहुत ही सस्ता है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर दे रहे हैं, 8S Gen 3 भाई दे दिया है, बाप रे। अगर तुम ये जो Realme GT 6 मैंने पहले दिखाया था ना, जिसके अंदर 8S Gen 3 था, उसका प्राइस फिर बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिस्प्ले कंचा है, उसके अंदर भाई प्रोसेसर तो है ही कंचा, और उसके अंदर और भी जो सारी चीज़ें वो सब बहुत ही प्यारी हैं। बट इसके अंदर खासकर मुझे लग रहा है इन लोगों ने गेमिंग वाले बंदों को ही टारगेट करके बनाया है। गेमिंग वाले बंदे जहां इनको दिखे, इन्होंने कहा कि भैया उन्हीं लोगों के लिए फ़ोन लॉन्च कर दो। अगर आपको सिर्फ इम्युलेटर के लिए फ़ोन चाहिए, भैया आप कंप्यूटर के गेम्स खेलना चाहते हो, गेम्स तगड़े तगड़े खेलना चाहते हो, आपको कैमरा और डिस्प्ले सब एक नॉर्मल एवरेज आपको मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल एवरेज रहे तो काम चल जाएगा, बस गेमिंग है भी होनी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। बहुत सस्ता फ़ोन मिल रहा है, जाके चेक ज़रूर करना, भले ही मत लेना, एक बार चेक ज़रूर करना, निगाह ज़रूर डाल देना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो यहाँ पे देखिए मेरे पास अगला फ़ोन है OnePlus Nord 4। इसको मैंने यूज़ तो नहीं किया है, बट इसके बारे में जैसे कि यहाँ स्पेसिफिकेशन में देख करके बता सकता हूँ। खासकर कौन सी स्पेसिफिकेशन में देखूँगा, 7+ Gen 3। इसके अंदर भी वही प्रोसेसर है जो कि भाई मेरे Realme GT 60 के अंदर है। CPU थ्रॉटलिंग के बारे में आप लोग YouTube पे चेक कर सकते हो। ये फ़ोन भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो लेने का। ये फ़ोन का भी जो प्राइस है वो भी आपके बजट में आ जाएगा, चिंता मत करना, एक बार जाके चेक ज़रूर करना, भले ही मत लेना कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार निगाह ज़रूर डाल देना, आपके दिमाग में होने चाहिए ये सारे फ़ोन। ऐसा नहीं है कि मेरे होते हुए भी आप कोई अगड़म बगड़म फ़ोन लेके चले आओ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आपसे कोई भी खराब फ़ोन लेने की गलती हो, ठीक। चलिए, और अब जितने भी फ़ोन आने वाले हैं भाई, वो फ़ोन हैं तगड़े भी, महंगे भी, बहुत महंगे नहीं है बट महंगे हैं। वो फ़ोन हो सकता है आपका बजट क्रॉस कर जाए, बट ये है, इन फ़ोन्स को मैंने यूज़ तो नहीं किया है, बट इन फ़ोन्स के ऊपर मैं आँख बंद करके ऐसे ऐसे भरोसा कर लूँगा और बोलूँगा हाँ भाई तू बहुत ही सही है, ठीक है। इनकी CPU थ्रॉटलिंग आप YouTube पे चेक कर लेना कि ये CPU थ्रॉटलिंग कैसा देते हैं, क्या इनका रिजल्ट आता है, ठीक है, आप चेक कर लेना। बस इनका जो प्रोसेसर है ना, उसको मैं देख करके बता सकता हूँ, चुम्मा, मज़ा आ जाएगा आपको भाई। ऐसे फ़ोन है ये, एकदम गजब के फ़ोन है, ठीक है। और ये कौन कौन से फ़ोन है आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। एक है OnePlus का 12R, दूसरा जो फ़ोन है ये तो बाप फ़ोन है, इसके बारे में मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको मेरी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई, Snapdragon 8 Gen 3 लगाए, मैं कुछ बोल पाऊँगा क्या? मैं कुछ नहीं बोल सकता। जितने फ़ोन्स मैंने आपको दिखाए हैं ना अभी तक, जितने दिखाए सबको ये ऐसे लात मारता है, ऐसे ऐसे लात मार देगा, बोलेगा बस मैं तो किंग हूँ। और भाई वाकई में ये किंग फ़ोन है। इस फ़ोन के बारे में आपको गड़बड़ चीज़ें कम ही मिलेंगी। कोई एक ही दो यूट्यूबर होगा जो बस ये बोलेगा कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बाप है सारे फ़ोन्स का। क्योंकि Snapdragon 8 Gen 3 जो कि भाई Snapdragon का अभी तक का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, और इम्युलेशन वाले गेम्स को तो एकदम चीर देता है,
कंप्यूटर का जो GTA 5 है ना, आपको कहीं कहीं पे 60 FPS देखने को मिलेगा और आप बोलोगे अरे भैया मैं कंप्यूटर लूंगा ही नहीं, मैं तो इसी फ़ोन पे खेलने वाला हूँ गेम। क्यों खेलोगे 60 FPS GTA 5 फ़ोन के अंदर? ठीक है, वो कोई क्लाउड गेमिंग नहीं है, ये फ़ोन के ऊपर ही आपका चलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको तो लेना कंसिडर कर सकते हो, अगर आपकी जेब मोटी है, आपके पास पैसा मोटा है, तो आप प्लीज़ इस फ़ोन के ऊपर ज़रूर जाना। सारे फ़ोन्स को एकदम लात मार दो, सबको हटाओ, यही फ़ोन लो। ठीक है, मैंने भले ही यूज़ नहीं किया बट इतने रिव्यू मैंने देखे ना, इतनी चीज़ें इसके बारे में पता की हैं कि मैं गलत बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सोचो, यूज़ नहीं किया फिर भी गलत नहीं निकल रहा मेरे मुँह से, क्योंकि इतना सब देख लिया मैंने, क्या ही कर सकते हैं। और अगला जो फ़ोन है हमारा Xiaomi 14, इसके अंदर भी भैया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर पड़ा हुआ है। तो भैया मैं कुछ कहने लायक ही नहीं बचा, कुछ कह ही नहीं सकता मैं, बस एक ही खास चीज़ कह सकता हूँ कि भैया आइकू के मुकाबले मुझे Xiaomi 14 उतना नहीं पसंद है, पर इसका जो प्राइस है ना वो आइकू से थोड़ा सस्ता है। मुझे लगता है कि ये जो सेल चल रही ना, इस सेल में थोड़ा सा प्राइस सस्ता है। तो भैया इस फ़ोन के ऊपर भी जाकर के अपनी एक तिरछी निगाह जरूर मारना, देखना जरूर कि हाँ ये फ़ोन कैसा लग रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन और इस फ़ोन की लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएंगी। अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना, मैं सिर्फ आया था आपको हिंट देने कि कौन से फ़ोन आप ले सकते हो, कौन से नहीं ले सकते, क्या आपको आइडिया लेना चाहिए, CPU थ्रॉटलिंग आप पता कर लो, क्योंकि अगर इमुलेशन वाले गेम खेल रहे हो तो प्लीज़ भाई प्लीज़ CPU थ्रॉटलिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घंटा गेम चला, फ़ोन गर्म हुआ, CPU ने बोला टाटा भाई मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी पावर कम करके बैठता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुमने जितने भी फ़ोन्स बताए वो Qualcomm Snapdragon वाले ही बताए, MediaTek वाले फ़ोन क्यों नहीं बताए? MediaTek से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है दोस्त, ठीक है, MediaTek से दुश्मनी है इमुलेटर वालों की। MediaTek के आपके जो प्रोसेसर है ना, भले ही वो Qualcomm के प्रोसेसर को टक्कर दे दें, उससे नहीं मतलब है, उससे मतलब ही नहीं है। ये जितने इमुलेटर वाले लोग हैं ना, ये लोग जानते हो क्या करते हैं, माली GPU, MediaTek माली GPU में आता है, उसके लिए ड्राइवर्स ही अभी तक इन लोगों ने नहीं बनाए हैं, तो MediaTek वाले फ़ोन्स के अंदर बहुत सारे गेम्स चल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने MediaTek के फ़ोन को कंसिडर भी नहीं किया यहाँ पे, और मैं MediaTek पे वैसे ही नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो Qualcomm लो, खुश रहो, MediaTek के ऊपर प्लीज़ मत जाना। ठीक है, मेरी सलाह अगर मानते हो तो प्लीज़ मत जाना। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको 1-2% कुछ तो समझ में आया होगा, मैंने कुछ तो आपको हिंट दे ही दिया है कि आपको कौन से फ़ोन लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। इस सेल के टाइम में गड़बड़ मत करना कि आँख बंद किया बस कोई भी फ़ोन पकड़ लिया, पापा ने दिला दिया, मम्मी ने दिला दिया, नहीं, ऐसी गलती नहीं करोगे। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप है, मुझसे आके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। फ़ोन लेने का डिसीजन बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास कम पैसे हैं तो, अगर ज़्यादा पैसे हैं तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे से वार्तालाप कर सकते हो, मैं बता दूंगा। प्लस यहाँ पे मैंने 10 फोन्स की लिस्ट आपको दिखा दी है, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप सो इस वीडियो में मजा आया होगा, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।